देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। मौसम अच्छा खासा सुहावना हो गया है, लेकिन आज धूप निकल आई है। और सुबह सुबह मुझे शगुफ्ता ने बताया कि अगर आप बाहर शूट पे जा रही हैं तो मत जाइए, क्योंकि आपको तीखी धूप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ये गुनगुनी सी धूप लग रही थी आज। मुझे तो नहीं लगी, मुझे तो चुपती जलती गर्मी लगी है बहुत ज्यादा। फील करने का है। आप इंतजार कर रही हैं कि फिर से बारिश हो जाए? नहीं, मैं नहीं कर रही। हाँ, मुझे धूप ही चाहिए, बट इतनी तीखी धूप नहीं चाहिए। जो सर्दियों में गुनगुनी सी धूप निकलती है वैसी चाहिए। पर मौसम का क्या चल रहा है, कभी तो गर्मी एकदम है, कभी ठंड भी लगती है, मतलब अलग अलग। जितने दिन बारिश हो रही थी उस समय ठंड लग रही थी। हमने बात भी की थी ना कि कोई एसी नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला रहे। चलिए आपको बताते हैं, गुरुवार 19 सितंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही ऐसा लगा मानो सितंबर में ही सर्दी ने दस्तक दे दी हो। आसमान में बादलों का डेरा, दिन भर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बरसात। बीते कुछ दिन दिल्ली एनसीआर का हाल कुछ ऐसा ही था। सितंबर के तीसरे हफ्ते में ही बारिश ने सर्दी का एहसास करा दिया। आलम यह है कि गुरुवार को मौसम ने 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 19 सितंबर को दिल्ली के पालम में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 15 साल में पहली बार पारा इस हद तक गिरा था। सितंबर के महीने में लगातार बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली और एनसीआर में ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंड आ गई है। ये ठंड आने की वजह ये रही कि लगातार तापमान सामान्य से नीचे रहा, और रिकॉर्ड तो तब बन गया जब ये तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया। 20 डिग्री के आसपास ये तापमान शाम और रात के वक्त रहा, तो वहीं पर इस वक्त ये तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच दिल्ली और एनसीआर में है। थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी आसमान में बादल है और हल्की सर्दी का एहसास सितंबर के महीने में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये ला नीना या एल नीनो इफेक्ट की वजह से बारिश भी हो रही है, और साथ ही पहाड़ी इलाकों में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। लोगों को ठंड का एहसास इस कदर हुआ कि रात में एसी तक बंद करना पड़ गया, पंखे की हवा में भी चादर ओढ़नी पड़ गई। सितंबर में दिसंबर वाली सर्दी का ये एहसास बताने के लिए काफी है कि ठंड इस बार जल्द ही दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में ये गिरावट जलवायु पैटर्न के बड़े बदलाव को दिखाती है। इससे पहले 23 सितंबर 1972 को पालम में सितंबर के महीने में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। 23 सितंबर 1972 को तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 24 सितंबर 1930 को सफदरजंग में पारा 16.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 2009 के बाद से सफदरजंग में सितंबर के लिए सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 सितंबर 2023 को न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में सितंबर का सबसे कम तापमान 28 सितंबर साल 2010 को 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और 15 साल बाद अब 19 सितंबर 2024 को 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर से दिल्ली में बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। आमतौर पर हर साल 25 सितंबर तक दिल्ली में मॉनसून की विदाई हो जाती है, लेकिन इस बार 10 से 15 दिनों की देरी हो सकती है, और ये देरी ठंड के जल्द दस्तक देने का संकेत होगी। दिल्ली से अभिषेक आनंद और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे स्टूडेंट।